तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश में। और आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि लड़कियों को सेक्स के लिए आप कैसे मना सकते हैं, और फर्स्ट टाइम अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो वो क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हम जिस कल्चर जिस सोसाइटी पे रहते हैं वहाँ इसको बड़ा गंदा शब्द माना जाता है, बड़ी ओछी निगाहों से देखा जाता है, लेकिन समाज जमाना आगे बढ़ता है, चीजों को सही डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में समझने की जरूरत है। इसमें ज्यादा हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा शर्माने की जरूरत है। तो इसको सही डायरेक्शन में हम समझते हैं। पहली बात तो ये कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसको सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने दिल और दिमाग से इस तरह के किसी भी भ्रम को बिल्कुल निकाल के बाहर कर दीजिए और समझिए इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखिए, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो, देखिए मैं इस वीडियो पे जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये नॉलेज बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, सर्वे बेस्ड है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में भी ये बताया गया है कि इंसान की सबसे पहली जरूरत है बेसिक नीड। बेसिक नीड में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान। इसके बाद जो उसके ऊपर की नीड है वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव अफेक्शन नीड और सेक्स। यानी सेक्स की नीड भी इंसान की एक मूलभूत नीड है जो एक वक्त जरूरत के बाद उसको जरूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल ऑड फील करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो इसको सही चीज समझने की। अच्छा, वो क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, लड़के का सेक्स करने का जब से दिल और दिमाग में जहन आता है उसका सेक्सिंग पॉइंट तभी से चालू हो जाता है। यानी अगर आप सोचते हैं कि आपने सेक्स करने का ड्यूरेशन वो बिस्तर में बताए गए पलों को अगर आप मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। जब से आपने सेक्स करने के बारे में सोचा है तब से आपका वो पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए आप इस चीज को सही डायरेक्शन में समझिए कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ उस काम को करने के लिए अट्रैक्ट करती है। और वो अट्रैक्ट कैसे करेंगी? ये नहीं कि आप अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या आप मिल रहे हैं तो आपने बस वो हरकतें चालू कर दी और एज यूजुअल उस चीज को गंदा कर दिया और गंदे शब्दों में, गंदे लहजों में ही उसको सामने परोस दिया। तो इसको समझने की जरूरत है, सही डायरेक्शन में जाइए, गलत वे पे बिल्कुल मत लीजिए। सबसे पहले तो वो क्या चीजें हैं जो एक लड़की को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, वो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर से, फीमेल पार्टनर से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो आपको करना ये है कि आपको डायरेक्ट उन सब हरकतों पे नहीं लग जाना। मैं बिल्कुल खुले तौर पे बोल रहा हूँ और बहुत ही सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जब आप अपने पार्टनर से पहली बार मिलते हैं या फिर अकेले में मिलते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस मूमेंट तक पहुंचने से पहले कुछ चीजों को करने की, जिससे आपका पार्टनर आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा या फिर सीधे लफ्जों में कहें तो आपका फीमेल पार्टनर सेक्स के लिए राजी जल्दी हो जाएगा। अब वो क्या क्या चीजें हैं? पहला, जब आप अपने पार्टनर से पहली बार मिले तो आप उसकी नेक यानी गर्दन पे आप जब किस करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं और बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जब आप उसके नेक में गर्दन पे किस करते हैं ना तो आपके पार्टनर को उत्तेजना होती है। ये साइंटिफिकली प्रूफ चीज है। कोई भी एक फीमेल पर्सन अगर आप उसके नेक में, गर्दन में किस करते हैं या अपनी जीभ से सहलाते हैं तो डेफिनेटली आपके फीमेल पर्सन को उत्तेजना होती है। पॉइंट नंबर दो क्या है? पॉइंट नंबर दो ये है कि जब भी आप अपने फीमेल पार्टनर के कान में, जी हाँ ईयर्स में, कुछ धीमे से बोलते हैं, फुसफुसाहट करते हैं या फिर उसको धीमे से काटते हैं तो आपके फीमेल पार्टनर को उत्तेजना होती है, एक्साइटेड होता है वो। तो वो आपके साथ उन चीजों के लिए, जिन चीजों के लिए, जी हाँ बिल्कुल उन्हीं चीजों के लिए जिनके लिए आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसके लिए जल्दी राजी हो जाता है। तो आपको मिलते ही साथ गड़बड़ घुसेड़ नहीं करनी है, समझ रहे हैं ना, आपको सीधे वो जानवरों जैसी हरकत नहीं करनी है। आपको अपने पार्टनर के साथ मिलने के बाद, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या मिलते रहते हैं तो भी, जब भी आप उससे मिले तो शुरुआत ऐसे करें जिससे आपका पार्टनर जल्दी राजी हो जाएगा।
तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में अपने फीमेल पार्टनर से मिले तो उस पार्टनर के मिलने के साथ ही साथ आप उसकी आंखों में, जी नहीं लिप्स पे नहीं और बाकी बॉडी पार्ट्स पे नहीं, आंखों में अगर किस करते हैं तो आपका फीमेल पार्टनर आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है और उन चीजों के लिए उत्तेजित हो जाता है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो सेक्स कोई गंदा विषय या गंदा टॉपिक नहीं है, इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए और सही डायरेक्शन में ही इसको पॉजिटिव तरीके से समझने की जरूरत है। और क्या क्या चीजें होती हैं इसके लिए मैं पार्ट टू बना दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसा ही जेन्यून कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलता है हमारे चैनल पे, तो अपना प्यार दिखाइएगा। अगर आपके पास है कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ख्याल रखिएगा सब लोग अपना, तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।